हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूँ बाका बाबर, मैं लौटा हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइकू की। तो मेरे पिछले वीडियो में मेरे व्यूवर्स ने कमेंट करके मुझे बताया कि उन्हें नेक्स्ट किस टॉपिक वीडियो चाहिए, किस एनिमे के बारे में। तो कई सारे लोगों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि मुझे हाइकू के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। एक क्लेनेट के ऊपर भी था एक कमेंट, पर मैं उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा। तो आज का वीडियो कोई रिव्यू नहीं होने वाला है, बल्कि ये सिंपल लेट्स टॉक होने वाला है, जिसमें हम हाइकू के बारे में बात करेंगे। कोई रिव्यू नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बात। तो हाइकू की तारीफ में क्या करूँ। वैसे तो मैंने ज़्यादा स्पोर्ट्स एनिमे देखे नहीं हैं, पर मैंने जितने भी देखे आज तक, मुझे सबसे बेस्ट हाइकू लगा। हाइकू, कुरोको नो बास्केट और तीन चार और शोज देखे मैंने स्पोर्ट्स एनिमे। स्पोर्ट्स एनिमे मेरा काफ़ी फेवरेट जॉनर है, पर पता नहीं क्यों मैंने ज़्यादा नहीं देखे। तो स्पोर्ट्स एनिमे की जो सबसे बेस्ट बात होती है, जो उसका बेस्ट पार्ट होता है, वो है एड्रेनालिन रश। इसका मतलब ये होता है कि जो उसमें दिखाते हैं एकदम सस्पेंस वे में, और जो दिखाते हैं कि, मतलब इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ, कि मतलब जिसे देख के हमारा एड्रेनालिन जो है वो एकदम तेज हो जाता है। यानी कि ऐसा होता है कि हम खुद वहाँ पर स्टेडियम में मैच में बैठे हैं, हम खुद बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जो वो फीलिंग होती है, जैसे कि हाइकू में एक सीन है कि हिनाटा जब फर्स्ट टाइम आँख बंद करके कागेयामा के जो बॉल पे हिट करता है, जो बेस्ट सेट होता है दोनों का, जोड़ी बहुत बहुत औसम है। तो वो मोमेंट देख के जो मुझे हुआ था, जब मैं खुद भी एक वॉलीबॉल प्लेयर हूँ तो मैं जानता हूँ कि ये कितना हार्ड है, कितना डिफिकल्ट है ऐसा करना। तो वो मोमेंट पे जो मेरा एकदम एड्रेनालिन रश हुआ था, जो मतलब इतनी खुशी हुई थी वो देख के, कि ऐसा लगता है कि आप खुद स्टेडियम में वो मैच देखने के लिए वहाँ पे बैठे। तो जो वो फीलिंग होती है, वो स्पोर्ट्स एनिमे की सबसे बेस्ट पार्ट होती है, वो और कोई एनिमे नहीं दे पाता। इसलिए मुझे स्पोर्ट्स एनिमे पसंद है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर। और स्पोर्ट्स एनिमे की एक और बहुत बढ़िया बात है कि वो जो ख़त्म करता है एपिसोड, उसका हर एपिसोड ऐसे मोमेंट पे आके ख़त्म होता है कि अगले एपिसोड के लिए एकदम एक्साइटमेंट डबल हो जाए। और कुछ एनिमे वो नहीं करते हैं, इसलिए वो फ्लॉप जाते हैं स्पोर्ट्स एनिमे। जैसे कि डाइव को ही देख लीजिए, मुझे डाइव बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइकू की। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हाइकू नहीं देखा, तो मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि जो थर्ड सीजन है वो काफ़ी लेट है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे ये चीज़ एकदम बेस्ट लगी कि उन्होंने टाइम पास नहीं किया, कि उन्होंने जिस स्पेशल आर्क के लिए वो सीज़न बनाया था उसमें सिर्फ वही रखा, खाली 10 एपिसोड का है, अनलाइक अदर टू सीजन जो बाकी दोनों सीजन में 25-25 एपिसोड है। तो उसमें थर्ड सीजन में लोगों ने 10 एपिसोड का सिर्फ एक आर्क बनाया है, और वो सबसे बेस्ट बनाता है। बेस्ट बात लगी मुझे वो हाइकू के थर्ड सीजन को सबसे बेस्ट बनाता है, कि उन्होंने ज़रा भी टाइम पास नहीं किया, उन्होंने खाली एक आर्क के ऊपर बनाया है। हाइकू में मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ओइकावा तोरू, जो कागेयामा का सेनपाई रहता है मिडिल स्कूल में, और वो मेरा काफ़ी फेवरेट कैरेक्टर है इसमें। वो काफ़ी लवेबल कैरेक्टर है, तो क्या पता किसी को कैसे पसंद नहीं हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को ओशिमा भी पसंद है, पर मेरा वोट तो जाएगा ओइकावा को, अगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर पूछा हाइकू का। ओइकावा एक बेस्ट लीडर कैरेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा लीडर होता है, बस उसके अंदर थोड़ी सी हेट भरी होती है जो प्रोडिजीज होते हैं, जैसे कि कागेयामा उसका जूनियर, जिसको वो सबसे ज़्यादा हेट करता है। तो उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है कि वो एक कहा जो बचपन से इतना हार्डवर्क करता है, तब जाके वो इतने ऊपर लेवल में आता है, और कागेयामा जैसे लोग जो उससे एज में काफ़ी छोटे हैं, वो प्रोडिजी हैं, और वो तुरंत जो उसका हार्डवर्क का जो है, जो उसने इतने साल ओइकावा ने हार्डवर्क पर लगाए, वो सब स्किप करके वो डायरेक्ट उस लेवल पर आ रहे हैं। तो ओइकावा को बुरा लगता है, पर क्या करें, मैं समझ सकता हूँ, मैं दर्द समझ सकता हूँ उसका, कि आप काफ़ी किसी चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी मेहनत करके थोड़े अच्छे होते हैं, और काफ़ी लोग जो पहली बार वो गेम खेल रहे होते हैं वो आपसे अच्छा खेलते हैं, तो थोड़ा ऐसा लगता है। तो मैं समझ सकता हूँ ओइकावा का दर्द। तो चलिए अब बात करते हैं एनिमेशन की, जो कि हाइकू का बहुत ही औसम है और होना ही चाहिए। हर स्पोर्ट्स एनिमे में सबसे बेस्ट बात होती है उसका एनिमेशन, क्योंकि हर स्पोर्ट्स एनिमे में एक्शन जो होता है वो अलग टाइप का एक्शन होता है। अगर आप फाइटिंग एक्शन वाले शोज़ देखेंगे तो उसमें उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें एनिमेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, पर जो स्पोर्ट्स एनिमे में हर चीज़ में डिटेल में ध्यान देना पड़ता है एनिमेट करते समय, कि उनका हर एक हैंड मोशन, लेग मोशन, हर चीज़ में। तो और अगर इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं है तो वो स्पोर्ट्स एनिमे अच्छा नहीं है, चाहे उसकी स्टोरी कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें एनिमेशन में कमी रह गई तो वो देखने में, विजुअल में इतना इफेक्ट नहीं आएगा। जैसा कि सबसे मैंने जब कुरोको नो बास्केट का वो लास्ट राकुजेन के साथ फाइट देखा था, मैच देखा था, तो उसमें जो लास्ट वाला एपिक सीन होता है, मेरा दिल जीत गया उस सीन ने।
और कोरोकोनो बास्केट के बारे में भी मैं कभी बात करूंगा क्योंकि वो भी काफ़ी ऑसम सीरीज़ है। पर फिलहाल हम हाइको के बारे में बात करते हैं कि इसका एनिमेशन काफ़ी ऑसम है और एनिमेशन ने जस्टिस किया इस शो के साथ। इस शो को जैसा एनिमेशन चाहिए था वैसा एनिमेशन दिया। तो चलिए अब इस शो की स्टोरी की बात करते हैं। इस शो का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है हिनाटा, वो उसे वॉलीबॉल में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। उसने एक मैच देखा होता है कारासुनो का, जो स्कूल में उसके जाने की बहुत इच्छा रहती थी हाई स्कूल में, और वो वॉलीबॉल की सबसे बेस्ट टीम होती है उस टाइम की। उसका सपना होता है कि उस कॉलेज को ज्वाइन करे, उस हाई स्कूल को ज्वाइन करे और उसी वॉलीबॉल टीम को ज्वाइन करे। पर उसे प्रैक्टिस उसे आता नहीं रहता है उस टाइम पे, तो वो प्रैक्टिस करता है। पर जब अपने स्कूल में जाके देखता है तो उसके स्कूल में वॉलीबॉल की क्लब ही नहीं होती है, बॉयज़ की, गर्ल्स की होती है पर बॉयज़ की नहीं होती। पर वो फिर भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो गर्ल्स के साथ ही प्रैक्टिस करता है। और फिर वो किसी तरीके से उसका एक मिडिल स्कूल में मैच हो जाता है, और उसका मैच रहता है मिडिल स्कूल की टीम के बीच में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उसमें उसका मैच होता है, पहला ही मैच होता है कागेयामा की टीम के साथ। और कागेयामा बहुत ही स्ट्रांग ओपोनेंट होता है हाई स्कूल लेवल के हिसाब से भी, वो काफ़ी प्रोडिजी होता है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है, इतना स्ट्रांग रहता है कि काफ़ी सारे हाई स्कूल के बच्चे भी उसे नहीं हरा पाते। और फिर हिनाटा के साथ उसका मैच होता है, हिनाटा बहुत बुरी तरीके से हारता है। पर हिनाटा कुछ ऐसा करता है उस मैच में जो कागेयामा का ध्यान खींच लेता है, और कागेयामा उसको थोड़ा एक्नॉलेज करता है कि हाँ ये भी एक खतरनाक ओपोनेंट था। फिर उन लोग दोनों सोचते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में जाऊंगा तो हम इसके साथ दोबारा फाइट करूंगा, दोबारा मैच करूंगा और तब इसे एकदम अच्छे से हरा दूंगा। और जब लोग हाई स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि उन दोनों एक ही टीम में, तो अब उन दोनों एक ही टीम में तो अब एक दूसरे को कैसे हराएंगे। तो फिर उन लोग वहाँ पर, फिर उनके बीच की राइवलरी रहती है। पर फिर उन लोग को उनके सेनपाई, उनके सीनियर्स कहते हैं कि अगर तुम्हें टीम में काम करना है तो ये राइवलरी हटा दो, और फिर उन लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं। और ऐसे ही करके उन दोनों बेस्ट फ्रेंड बनते हैं और बेस्ट जोड़ी बनते हैं, और उन दोनों की जोड़ी काफ़ी बड़े बड़ों को हरा देती है। और कुछ ऐसी स्टोरी है, फिर वो अलग अलग दोस्तों से मिलते हैं, नई नई दोस्तियाँ होती है, नई नई राइवलरी होती है, और काफ़ी मज़ेदार शो है। और इसके ओपनिंग सॉन्ग्स भी काफ़ी ऑसम है, अगर आपने सुने होंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो स्पायर ने और बर्नआउट सिंड्रोम ने जो इसका ओपनिंग गाया है मुझे काफ़ी पसंद आया। दोनों ही मेरे फेवरेट बैंड है और दोनों ने ही काफ़ी बढ़िया गाने गाए इसमें, और ओपनिंग और एंडिंग तो काफ़ी लाजवाब है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरी आवाज़ इतनी बेकार क्यों आ रही है। इसका रीज़न ये नहीं कि मेरी आवाज़ बेकार ही है, इसका रीज़न ये है कि आज मेरी तबीयत ख़राब है। मैं डॉक्टर के पास गया और उसने मुझे बताया कि मुझे लिग्मा है। नहीं दोस्तों, ये कोई मजाक की बात नहीं है, लिग्मा बहुत ही सीरियस बीमारी है और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ। और डॉक्टर ने बताया कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। अगर मेरे, अगर आप चाहते हैं कि मैं बचूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर।